एक इन्होंने चलाया था बेटा, बचपन बचाओ। इसमें इन्होंने कहा ये छोटे छोटे चाइल्ड लेबर, कितने छोटे छोटे 8-8, 10-10 साल के बच्चे छोटू छोटू नाम से कितनी दुकानों पे बेचारे चाय सर्व कर रहे हैं, टेबल साफ कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं। अब कैलाश सत्यार्थी जी कौन है? इन्होंने बेटा एमपी में, मध्य प्रदेश में ना एक इन्होंने मिशन चलाया था। मिशन नाम था, एक तो इन्होंने आंदोलन चलाया बचपन बचाओ, जिसमें इन्होंने कहा बच्चों को, तुम्हारी उम्र के बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं, और एक चलाया मिशन 1000। किसी ने इनको बताया कि सर लड़कियों को तो पैदा होते ही गला घोट के मार देते हैं, गाँव में लड़की पैदा हो गई तो उसको मारने के लिए मुश्किल नहीं है बेटा, अब तो चलो शुक्र है हम पढ़ लिख गए। पता क्या करते थे, एमपी की तरफ भी, हरियाणा में भी, राजस्थान, हर जगह, जैसे तसला लेते, छोटा बच्चा पैदा, लड़की पैदा हुई तो उसमें दूध भर लेते और उस बच्ची को उसमें औंधे मुंह, उल्टे मुंह लिटा देते। थोड़ी देर में क्या होगा, जब वो सांस लेगी बच्ची तो नाक में उसके में दूध चला जाएगा ना, उसको ऊपर तक भर लेते और थोड़ी देर में बच्ची छटपटा के, बहुत छोटा तो हाथ पैर भी नहीं चला सकता ज्यादा, वो मर जाती, उसको उठा के मिट्टी खोदते और कहीं दबा आते। ऐसे न जाने कितनी लड़कियां मारी गई हैं बेटा। तो ये कैलाश सत्यार्थी को पता चला कि ऐसे ऐसे लड़कियों को मारते हैं, तो इन्होंने कहा मैं एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ और जिसको नाम दिया मिशन 1000। इसका मतलब इस देश में जब लड़के पैदा होते हैं तो कोई नहीं मारता, लड़कों को कभी कोई नहीं मारता, लड़कियों को पैदा होने देना ही मुश्किल दिखता है। तो उन्होंने कहा मेरे मिशन का टारगेट है, अगर 1000 लड़के पैदा हुए हैं ना, तो मैं 1000 लड़कियां जो पैदा होंगी इनको मरने नहीं दूंगा। मैं अपने हिसाब से तो नहीं कि मैं लड़कियों की संख्या बढ़ा दूं, लेकिन जहां लड़की पैदा होंगी इनको मरने नहीं दूंगा। क्या नाम दिया इसको, मिशन 1000। और इसलिए बेटा आज हमारा मेल फीमेल का रेशो पहले से बेहतर है, बहुत ऐसा तो नहीं कि बराबरी पर कर दिया, पर पहले से बेहतर है। एक इन्होंने चलाया था बेटा बचपन बचाओ, इसमें इन्होंने कहा ये छोटे छोटे चाइल्ड लेबर, कितने छोटे छोटे 8-8, 10-10 साल के बच्चे छोटू छोटू नाम से कितनी दुकानों पे बेचारे चाय सर्व कर रहे हैं, टेबल साफ कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं। तो उन्होंने कहा था इन सबकी लाइफ अच्छी बनानी है, इनको पढ़ाई से जोड़ना है। इस मिशन का नाम क्या था, बचपन बचाओ। तो दो बहुत बड़े मिशन चलाए। नाम क्या है इस आदमी का, कैलाश सत्यार्थी, जिसने सत्य के लिए काम किया, कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी ने बच्चों के लिए काम किया, शिक्षा पे काम किया, और मलाला यूसुफजई ने भी गर्ल एजुकेशन के लिए काम किया और ताकत के लिए काम किया। इसलिए इन दोनों को कहा आप दोनों को साझे का प्राइज देंगे। जब साझे का मिलता है ना बेटा, तो जो रुपये हैं ना वो बट जाते हैं। तो हमारे नोबेल के रुपए आधे आधे बट गए, किन दो देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान। कितनी अच्छी बात है, वैसे तो हम लड़ते रहते हैं लेकिन हम दोनों को शांति का नोबेल मिला हुआ है और हम दोनों को आधे आधे रुपए दे दिए थे। मलाला भी वहां गई एक स्टेज पे, जैसे यहां खड़े थे, यहां मलाला, यहां कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी की उम्र बहुत ज्यादा है बेटा, ये कोई यंग ऐसा नहीं है, जबकि मलाला तो बच्ची थी, 13 साल के आसपास इसकी उम्र थी, 13-14 साल जो वो गोली कांड हुआ था। तो मलाला यूसुफजई यंगेस्ट है जिसको नोबेल मिला है, सबसे जवान, सबसे कम उम्र की महिला कह लो जिसको नोबेल मिला। कौन है ये, मलाला। और जिसके साथ मिला वो कौन है इंडिया का, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश के दो काम बताना, मिशन 1000 और बचपन बचाओ आंदोलन।